बेची जाए या चारों तरफ से गांठते हो, कभी इधर से सारा मनीष गलत है, यह गलत है, वह गलत, क्या करूं यार, इंसान हूं, मेरे से पहले इतने पत्रकार घूम नहीं थे यहाँ पे, बताओ 6 महीना बाद मेरे बाप जो है बॉर्डर से घर आया, मैं मिलने तक नहीं गया, और मेरे ऊपर भी उंगली उठाते हो तुम लोग, यार कैसे लड़ूंगा मैं, छोड़ दूंगा मैं, ये आर्मी के जवान को, सुनो, ये आर्मी के जवान को इंसाफ दिला के मनीष कश्यप बिहार छोड़कर दिल्ली जाके सेटल हो रहा है। अरे मैं भी इंसान हूँ यार, चारों तरफ से घात हो गए तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे, मेरी बहन को गाली दिया गया, मेरी बहन को गाली दिया गया, इसी मोतिहारी में एक सिंगर ने बोला कि मनीष कश्यप का तू बनवा हमारे भाई के साथ। मैं आज से 2 साल पहले मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ इस बापू धाम में कि मैं आज से 2 साल पहले सोचा नहीं था कि देश में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला पत्रकार बन जाऊंगा। आर्मी के जवान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं भाई, मेरे लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन अनिकेत भाई का है, दीदी का है और इनका है, पूरा जानकारी तो मुझे है। सुन एक मिनट रुकिए, अनिकेत भाई से हमारा फोन पे बातचीत होता है, अनिकेत भाई धरना पे बैठे हैं, तो हम अनिकेत भाई से ना बात करेंगे, सबको तो पहचानते नहीं है। जब हम सो यहाँ पे आए उसके पहले मेरे को गाली दे रहा था लोग कि चडीछा पत्रकार कहाँ है, चडीछा पत्रकार कहाँ है। जरा सोचिए इस समाज में एक पत्रकार को चड्डी छाप बोला जा रहा, आप लोग चुप है खामोश, आपके लिए कौन लड़ेगा फिर कल, बताइए। पहला चीज सुनिए, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। हाँ एक मिनट हमको गाली दे, हमारे माँ पिता को गाली दे, ठीक है, और हम वही बात को बोल दे तो विवादित बात है। देखिए ये कह रहे हैं क्या करे, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे हम यही बोल रहे थे कि वर्दी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी हो, चाहे पुलिस वाले का वर्दी हो, चाहे आर्मी वाले का वर्दी हो, यही बोल रहे थे। परसों जब हम लोग बैठे थे तब भी डिस्टर्ब कर रहे थे वो, आज जब आए तब भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हमको जानकारी नहीं है तो हम बोल लेते हैं, उसके बाद से आप अपनी जानकारी को रख लीजिए, क्या दिक्कत है। वो बोल रहा है कि उनके पास 20 सेकंड का वीडियो है, एक मिनट सुनिए ना, हम उनका बात माने कि जो वीडियो बनाया है उसका बात माने, जो बनाया है रुक जाइए, वीडियो बनाने वाला यहाँ पे आदमी है जो पूरा वीडियो बनाया, अगर ये आदमी वीडियो नहीं बनाया होता तो शायद आर्मी के जवान के लिए अभी हम लोग नहीं बैठे होते, पहला चीज। दूसरा चीज, हम उनका बात माने जो थाना में लड़ी उनका बात माने। सबको पता है कि मनीष कश्यप को गुस्सा दिला दो और कार्यक्रम खत्म, कार्यक्रम खत्म, सबको पता है, उंगली करो, सबको पता है। इसमें 1-2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी ऐसे होंगे जो जानबूझ के कर रहे होंगे। अरे यार आज आर्मी के जवान को दौड़ा के मारा जा रहा, कल तुमको दौड़ा के मारा जाएगा। इस आर्मी के जवान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो तुमको तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, याद रखना, यह सच्चाई है। कोई नेता थोड़ी यहाँ बैठने आया, और जिनको वही चड्डी छाप पत्रकार वही कच्छप गैंगी लोगों के लिए, और आर्मी किसी के नजर में गलत नहीं है, आर्मी किसी के नजर में गलत नहीं है। कैसा आदमी आर्मी का सम्मान, अब सुनिए, आर्मी के सम्मान में आना। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, दीदी एक मिनट, क्या बोल रहे थे ये कि मनीषवा नहीं आया है अभी तक, आप ही से बोल रहे थे ना, सुनिए एक मिनट चुप रहिए, बोल रहे थे मत दिलाइए, सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं सुनिए, वो बोल रहा है कि मनीषवा नहीं आया है। अब मनीषवा काहे नहीं आया वो भी बता दे रहा है, मनीषवा देखिए, मनीषवा का गाड़ी चलाते हैं ये रजनीश सिंह, और इनका नाक का हड्डी टूट गया, कल गिर गई है, मैं इनका हड्डी ऑपरेशन कराऊं कि क्या करूं, बताइए आप, मेरी भी मजबूरी है ना, नहीं आए थे तो मेरे पिताजी फोन करके यहां भिजवाए हैं सबको, फोन करके पूरा बात सुन लीजिए, उनका नाक का हड्डी टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद उनको आज लेके आया हूँ, देखिए उनका जाके देखिए, और मोतिहारी में ही ऑपरेशन कराया हूँ मैं उनका। अरे मैं भी इंसान हूँ यार, चारों तरफ से घात हो गए तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे, बताओ 6 महीना बाद मेरे बाप जो है बॉर्डर से घर आया, मैं मिलने तक नहीं गया, और मेरे ऊपर भी उंगली उठाते हो तुम लोग, यार कैसे लड़ूंगा मैं, छोड़ दूंगा मैं, ये आर्मी के जवान को, सुनो, ये आर्मी के जवान को इंसाफ दिला के मनीष कश्यप बिहार छोड़कर दिल्ली जाके सेटल हो रहा है, कोई मेरा उखाड़ कर दिखाए कुछ नहीं उखाड़ पाएगा,
ये चीजें है यार, चारों तरफ से गांठते हो, कभी इधर से सारा मनीष गलत है, ये गलत है, वो गलत, क्या करूं यार, इंसान हूं, मेरे से पहले इतने पत्रकार क्यों नहीं थे यहां पे, क्यों नहीं हर चीज के लिए लड़ा जाता था, बताओ प्लीज बैठ जाइए यार, मेरी मेरी बहन को गाली दिया गया इसी मोतिहारी में, एक सिंगर ने बोला कि मनीष कश्यप का तू बनवा हमारे भाई के सार, मैं लड़ा क्या उसके लिए, नहीं लड़ा, मुझे नहीं लड़ना था उस चीज के लिए, दिया गया कि नहीं, मेरे बहन को यानी मेरे बहन का पति बनना चाहता था वो सिंगर, वो बोला गया मुझे हिजड़ा, बोला गया छक्का, बोला गया मैं लड़ा क्या अपने लिए, नहीं, लेकिन जब बात आता है किसान का, जब बात आता है जवान का, जब बात आता है बिहार का, चाहे वो पटना में लड़ना हो, मोतिहारी में लड़ना हो, या बिहार से बाहर लड़ना हो, मेरे अनिकेत जैसे, अनिकेत रंजन भाई जैसे लोग ही सड़कों पे आते हैं, नेता कोई नहीं आता, याद रखिएगा लोग। और मुझे पता है इस विवाद का भी वीडियो काट काट के लोग चलाएंगे, मुझे पता है उस पर भी TRP लेंगे, मुझे पता है, और मुझे गरियाएंगे, मुझे पता है, पता है आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं, सब लोग ढूंढ रहे होंगे अनिकेत भाई को, हमको और इनको, सारे अनिकेत भाई कितना दबाव है आपके ऊपर, ईमानदारी से बताइए, यहाँ पे आके आइए, फिर भी सुनिए, इसके बारे में एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आँख खोल के सुन लीजिए, अनिकेत रंजन है, फोन पे हम लोगों का झगड़ा भी होता है, ये जिस आदमी के लिए लड़े थे ना उसी में केस हो गया इनके ऊपर, आम से समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्यों नहीं इनके लिए खड़ा हुआ, और पता है समाज के लोग क्या कहते हैं इनको, अनिकेत रंजन को दलाल है, गाड़ी पैसा से दूसरे के पैसा से खरीदा है, ये किया है वो किया है, अरे तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी अनिकेत रंजन की आप लोगों को, क्यों जरूरत पड़ी, नेता क्यों नहीं आप लोगों का काम कर रहा है, बताइए, पूरा बात सुना गया, अपमान किया मैं, पूरा बात सुना नहीं, का जोर था उंगली करने का, जब मैं सेना के समर्थन में हूँ, सेना का बढ़ाई कर रहा हूँ, सेना का अपमान नहीं कर रहा हूँ, तो भी उंगली, और ये दीदी की कहानी सुनिए, एक महिला है, चारों तरफ पुरुष के बीच में घिरी है, कल यही समाज कहेगा कि ये मर्द लोग के बीच में बैठ जाली पूर्णिमा भारती कहेगा कि नहीं समाज, लेकिन किसके लिए लड़ रही है ये, कर रहा है किसके लिए, केस करिए, पुरनका केस उखाड़िए, बताइए, जो सुनिए, दिल लिख रहा है ना वही सब थाने में जाके बताइए, कि पूर्णिमा भारती का पहले का केस देखिए ना, फिर से केस कीजिए ना, थाना में मत घुसने दीजिएगा, मेरा केस खंगाला जाएगा, पूर्णिमा भारती का केस खंगाला जाएगा, अनिकेत रंजन का केस खंगाला जाएगा, उस समय भैया आप संतावना देने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आज जरूर समझाइएगा कि कल उन्हीं के साथ समस्या होगा तो आपको खोजेंगे, नहीं आएंगे तो गाली भी देंगे, सुनिए या चाचा अगर हमारा समाज सिर्फ जागरूक हो जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि फिर मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन और पूर्णिमा भारती की जरूरत समाज को नहीं पड़ेगा, और हमारा बिहार राज बन जाएगा, अपने सुरक्षित जानते हैं मनीष भैया, मैं आज से 2 साल पहले मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ इस बापू धाम में, कि मैं आज से 2 साल पहले सोचा नहीं था कि देश में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला पत्रकार बन जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना दिल साफ रखा और लोगों के लिए लड़ता रहा, और आज लोग फॉलो करते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आर्मी का जवान जेल में कैसे रोटी खाता होगा जरा सोचिए, और जेल में क्या सोचता होगा कि हम किस देश के लोगों के लिए लड़ रहे थे, ये चीज है, 2 आर्मी के जवान ने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाला है, 2 आर्मी के जवान, उनके दर्द को समझिए, हम लोग अगर नौकरी करते हैं किसी कंपनी में तो अपने परिवार से दूर नहीं रहते हैं, सही है कि नहीं, जब जरूरत पड़ता है तो घर आ जाते हैं, लेकिन एक आर्मी का जवान उसके घर पे उसके पिताजी की मौत हो जाती है ना, तो भी नहीं आ पाता है, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाता, देश सुरक्षित नहीं रहता है, बॉर्डर पे गोली चलता है तो उसको बोला जाता है बाद में चले जाना, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, एक आर्मी के जवान की बेटी का शादी रहता है, उसकी बहन का शादी रहता है, अगर देश खतरे में हो और किसी भी प्रकार का बॉर्डर पे अगर असुरक्षित माहौल हो तो उसको छुट्टी नहीं मिलता, उसका छुट्टी कैंसिल हो जाता है, यहाँ तक कि एक नौजवान आर्मी का जवान अगर बॉर्डर पे जाता है और उसका शादी का डेट फिक्स हो जाता है और उस समय उस बॉर्डर पे कुछ किसी भी प्रकार की अनियमितता या गोलीबारी चालू हो जाती है तो उसका शादी टल जाता है, और उस आर्मी के जवान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और इस प्रकार से लड़ेंगे, हमें एक दूसरे
दूसरे से नहीं लड़ना है, हमें एक दूसरे के लिए लड़ना है। और जिस दिन हम लोग एक दूसरे के लिए लड़ना शुरू कर देंगे ना, उस दिन सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हम लोग अभी मोतिहारी में बैठे हैं, आर्मी के जवान के लिए बैठे हैं। आप लोग बताइए, बेतिया, मोतिहारी या बिहार के किस नेता को नहीं पता है कि आर्मी के जवान के लिए धरना हो रहा है? सबको पता है, सुनिए सुनिए, सबको पता है। अगर हम लोग गलत है, अगर हम लोग गलत है तो लाठीचार्ज करके हटा दिया जाए, और अगर हम लोग गलत नहीं है तो नेता इस धरने स्थल पे क्यों नहीं आया अभी तक? अभी ना खेल रहा है, अभी का गाड़ी।